करुकाल में अवतारी है और भगवान को अवतार कठेरो है। बाड़मेर जिले में राजा शिवरी हुकूमत और उड़ू कश्मीर को बतावे रोनीचा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है और भगवान ने अवतार लेकर के अनेकों भक्तों का काम सिद्ध करिया, जैसे कि अर्जी बाटी जगह बाबा रामबीर जी महाराज लारे सौ ढोड़िया करे और भक्त डाली अखजी मूलवा रावण माल दे रूपा दे जैसल तोड़ा दे लिखमो जी माड़ी देवसी जी माड़ी और महाराज अजी बाबे रा भगत है जो हुंदा ही जय है। माघ और भाव देर मन मेड़ो लागे रोड़ों फाटे महाराज मान क्या बाकी ए साले में कहीं बाबा मेहर करी भाई भाई क्योंकि लॉकडाउन है बाबे जी अगर कृपा हुई तो जरूर होई भाई। तो कविराज वर्णन करे लक्ष्मी तत्ती बारठ अमर कोटि सोडा धरा और कन्या जी जन्मी एक अजमल घर अवतार सुन तो बोली क्यों विदा ले दल जी के दो पुत्री भये और कन्या जी एक सुजान चंद्र वदन मृग लोचनी तो जाने रुखमणि रे अमरकोट में दल सिंह जी नाम करके सोड़ा राजपूत राज किया करता। अमरकोट सोड़ा घर के कन्या जन्मी एक अजमल घर अवतार सुन के लिखियो विदाता लेख और दल सिंह जी शेर मुल्तान रे मोने इंगलाज माता री पूजा किया करता और हमेशा जावता और मांग उठे जब एक ही मांग राखिया करता। कविराज वर्णन करें ओ मैं नीति का अमित जाऊं मारी Thank you.
मन घर अवतार की। दल सिंह जी माता अंगराज एक ही मांग राखे कह मैं नित का आऊ नित जाऊ मारी मैया हो और मन पुत्री ना दीनी पूजू देवड़ी हे माँ मन ही कोई है जो पुत्री देती तो थोड़ो 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 कोई है कि घर में जो बेटी वजन मार आंगड़िया है जो पूर्ण हो जाए करे। तो इंगलाज माता प्रसन्न होकर के एक दिन के बोले दल जी जाओ थारे में गिरे नेतन देव नाम करके अवतार ले ला। नेचे नेचे नारायण के भजोनी वीरा मारा और थोड़े के शिवरी शक्ति से कन्या होशी। प्यारे सजनो दल सिंह जी खुशी खुशी करे आवे और वही दिन आयो और नितल देरु अवतार हुयो और इन्हें भुआसा है जो गुड़ बंटाउंटे वास्ते आया। तो कवि राज वर्णन करे भुआ जी गोदी खेलावन और एक जद मुड़ गई बुआ जी री आगरिया घोरारी उगड़ी जी के गोद खिलावन लागा और जद मुड़ गई बुआ जी री आंगलियां क्योंकि भाई साहब में जन्म तो में थोड़ी कमी है कसर है कहीं के आतो पगाऊ पांगड़ा भाई साहब और पलने में सुतो ना देख और बुआ जी देख कर क्यों और देखो मार भाई साहब किसा छूट रहा है कपड़ा धोने वाली जग थप्पी है जी हाथ यूं करिया और हाथ हा जाए रह गया और बुआजी रड़ो करियो बोले देखो रे देखो मेरे को छोरी में कहीं लपचेड़ो है नेतन दे दी क्यों बोले बुआ सा कोई लपचेड़ो कौन है और ओ थोने है जो को परचो बतायो है बोले बेटा जन ओ तो गुड़ है जो को मांगो पड़ियो और ए ठीक कर दो बोले आ दिनों में साहित्य हो मारो ब्याह होला और मैं चौरी में बैठूला और उन टाइम आप आकर के मारे सिर पर हाथ फेरला उन टाइम थोड़ा हाथ है जगह ठीक होला और जीते आप है जगह होठलों में जी मैं नहीं चमचाऊ जो चमचाऊ जी मो गए
नेत्र दे जी पहलो परचो आपरी गुआसा ने दिखायो और दर सिंह जी के दो पुत्र बड़ा भोम सिंह और छोटा है जगो खिंग सिंह। और एक दिन भोम सिंह ने कालो सर्प खा जावे और सदा के लिए सो जावे तो नेत्र दे जी रे मां साहेब जगो बड़ा भारी दुखी होया और दुखी माता ने देख करके बोले मां आप दुखी क्यों हो। तो नेत्र दे जी रे मां देख करके बोले बेटा अरे आज रे ने तल दे थोरे बाबो सागर नाई बोले बेटा आज थोरे जो बाबू सागर को नी बोले इमे रोनो कौन रहे कोई गांव गांव तेरे गए तो हरे पाछा आ जाए बोले आ बात कोनी तो अरे भाई भोम सिंह दरबार की बोले बेटा आज थारे जो बाबू सा गिरे कोने और भाई भोम सिंह ने कालो सर्प खा गयो है। बोले बासा क्यों झूठ बोलो आप क्यों तुम्हें अबार भाई ने जो हाथ कपड़ ले जाऊं नितल दे जी भाई भोम सिंह ने एलो करियो और नींद में सोता जो बैठा हो गया दूसरो परचो ओ दियो। अब धीरे धीरे नितल दे बड़ा हुए तो एक दिन नेतल दे जी रे मां सा देख करके दल सिंह जी ने बोले क्योंकि लड़की है जो को जवान हो जाए माता पिता ने जो कुछ सोच भी हुए तो कविराज वर्णन करे मानुष की ऐसी जिंदगानी अरे मानुष की ऐसी जिंदगानी भाई ओ जैसे भूल भुला जल का अरे मैं मर जाऊं मेरी बेटी डूड़ जा
ब्रज मन घर अवतार की। निदल दे जी रे मां गए बोले दर्शन जी, मानुष की ऐसी जिंदगानी, मनुष्य जिंदगी रो कहीं भरोसा है। अरे वाह सूरज, मानुष की क्या ऐसी जिंदगानी, और जैसे बुलबुला जल का, मैं मर जाऊं के मेरी बेटी भूल जा, और नहीं है भरोसा पलगा। जैसे काम होवे जो कल का, के बिन आज बनाना चाहिए। राजा पूछे रानी ने भाई का, के ब्याह रचाना से निकल दे रो, ब्याह कर देना चाहिए। तो प्यारे सजनों, एक बूढ़ा महाराज पद्माराम जी नाव करके, और दादे ने बुलाया है, और इन्हें लगन टीको नारायण दे करके, और बोले दादा देश प्रदेश में जाओ, और जठे भी थोन पर अच्छो मिले, बटे जो लगन टीको दे दिया, क्योंकि जाति पाति रो कोई भेदभाव नहीं है। और एक बात और बोले कहीं के मोर भाई साहब परचो दे, भाई एक परचो दे जन होम लो पाउनो कहीं है के दो परचा दे जके नहीं जो नारियल दे आया। दादा देख रही क्यों, मैं घर अच्छो देख ले, बड़ा अच्छो देख ले, पर इो क्यों क्यों भाई थोड़े छोरो परचा खींचा दे। तो निकल दे तेरी मां साहब जगह बड़ा अकलदार, और एक कुर्तो बनायो बड़ो ही लंबो चौड़ो, डबल आदमी राजा, दो बिलों ते जो लंबो और एक बिलों ते जो चौड़ो। बोले दादा ओ जगर चौड़ो आ जावे, वे ने जो लगन टीको नारण दिया या। दादा देख कर क्यों जन रिश्तो हो गयो नहीं गया। तो दादा वो लगन टीको नारण देकर के रवाना हो यार, फिर आज वर्णन करे। अरे विपर विदायक होत है, उधर गवरी सुत Yeah.
लक्ष्मण घर अवतार की। विपर विदायक होते है के धर गवरी सुत ध्यान, मारवाड़ मरुधर रे बीच में के दादू पाली पहुंचे है जाए। पाली रे मां और राय पने सिंह जी रटे, दादू जार जय माता दी करी। 10-20 सरदार बैठा और अमल अफीम लियो है और पूछियो, बोल दादा आप है जो गठे हूं आया हो और आगे कठिने जाओ। बोले मैं अमरकोट हूं आयो हूं और दरपत सिंह जी सोड़ा जगह मैंने भेजी है और मारो बाईसा है और मारो है जो लगन टीको नारायण ले रहा है और आप रे कौन साहब बतावे। बोले दादा कौन साहब ने जाजा माथी बुलाओ। बोले हाँ तो अब जाजा माथे कौन साहब विराजमान सोलह सरदारों रमो सुभाईमान लागे जेड़ा सरदारों देख करके। बोले दादा क्यों रिश्तो पक्को है। बोले ठहरो थोड़ा दादे वो चोड़ो काट जलायो। बोले ओ कौन साहब ने तो देखो नहीं आवे कोई। पांच चार सरदार लारे हुए जो बैठा हो गया। बोले दादा चंदो उगरा था फिर कोई गए दादो बठो निकल जावे ज्यादा में कोई है के मैना छो फिरिया बाकी दादे रखटिए जो रिश्तो नहीं बैठियो। पाछा अमरकोट आया और नेतले जी ने मां पूछियो। बोले क्यों दादा दिया या। बोले हेंगी जोड़े मी है दादो कहे मारखन है जोड़ो और वे मैं चोड़ो अरे उई घणो हरो करे गरोड़ो। दादो देख करके अरे घर या छोवे जटे पर नहीं राजवीए। ओ भरे आचो ओवे घर नाही रे दी घर अच्छो है तो बट है जो छोरो कानी पुणी बार ना दे और टाबर अच्छो है बटे घर को मिले नहीं और घर और लड़को दोनों अच्छा मिले तो महाराज को थोड़ा चोड़ो काम खराब करे। बोले दादा यो करो कई दिन है जो रेस्ट करो और फिर जाया और इन्हें नेतल दे जी माता पिता ने उदास देख करके और पूछे। बोले माँ थे और पिताजी की उदास क्यों हो। बोले बेटा पूछ लियो जन की और ये जो थोड़ो ही जाए। हाँ दादो है जो लगन टीको लेकर के देश प्रदेश फिर है बाकी महाराज कठी रिश्तों नहीं बैठो। नेतर लदी दे करके बोल दादे ने अर्थों ने बड़ी गोमी ले ली। हूँ बताऊ तो नेतर लदी कहीं कहे
अरे नगर रेणु चेर माही तमर तपधारी माता घर अवतार की नेदम जी देख के बोले माँ गढ़ रूणी चेरे मौने और अजमाल जी तमर है और वहां रहे जो रामदेव नाम करके कमर है और बट ब्राह्मण ने जो लगंटी को दे करके और भेज दो महाराज खानी पूछने की जरूरत कौन तो नेदम जी रे माँ दल सिंह जी ने जा करके और कहीं कहे रानी कहे सुन राजवी और कन्या कही सो बात अजमल घर अवतार सुन ब्याव करो उन साथ नेतल जी ने मां देख रखे बोले ठाकुर साहब दादे ने लगन टी को नारियल दे करके और नीचे भेजो नेतम देख खुद आप रो है जो गोबर मोंडे में बतायो है तो दादे ने बुलाया है और दादे ने जाकर के हेलो करी और दादे विचार चलो ले भाई जीव हेलो हागी करो है या तो अब की जाऊं कोनी जे जाऊं तो चोड़ो को ले जाऊं जे ले जाऊं तो महाराज ने जो बताऊं को दादो है जो को समाचार वाड़ी पूछ करके भी उन्हें बोले किसे गांव जाने बोले सीधा आप नीचे जाता रहो दादो बोले लगन ठीक हो और रवाने हो या और नितल ले जीर मो एलो मारे बोले दादा और चोड़ो ले जाओ जन दादा दिए करके बोल तो जन यो करो मत ही जाता रहो तो नहीं दादा बिल्कुल आप है जो को जरूर नीचे जाओ और जरूर है जो अबकी बार है जो भाई रो संबंध है जो नीचे में आवेला तो दादो रवाने हो या पांच चार दिन बीच में रहा और गढ़ रूणी से पहुंचिया अजमाल जी महाराज में जाकर के और जय माता दी करी और बोले महाराज आप है जो गुस्से तू विराजिया हो दादो कहे अमर कोट मम गांव है और नाम है मेरो पदमेश अजमल घर अवतार रे लायो सगपण तण संदेश अमर कोट मम गाम हेर के नाम मेरो है पदमेश और अजमल घर अवतार रे लायो सगपण तण संदेश
आपने कम श्राप बताया है और मैं अमरकोट आयो हूँ और ठाकुर दलपत सिंह जी मैंने जो भेजियो है और हमारे जो बाइक्सा है। बोले दादा लड़को है जो घाटे जाजे माथे बोलाओ का गढ़ में ही जा प्रश्न करो। दादी विचार करियो यार जाजे माथा है 50,000 बेड़ा होई एक ले छोरे ने जो घुमारा जो थोड़ो तो बताओ। दादा क्यों नहीं नहीं गढ़ में ही पसंद कर ले हूं। तो दादो है जो गढ़ में जावे और इन्हें प्रभांति दारु श्री रामाराज कमार है जो गापरी थोड़ी सी दादी ने माया देखाई और कभी राज वर्णन करे। अरे पांच पच्चीस बाबो बूढ़ा बूढ़ा दुनिया देखियो भगवान रामदेव जी महाराज रे जो 60 वर्ष री उम्र धारण करी उड़ी दादू ही खन हजार बे गया भाई हो सके कोई अजमाल जी रे पिताजी है रणछ जी महाराज थोड़ी देर बैठ कर गई और पाछा आया जना अजमाल जी पूछे बोले किया दादा टाबर प्रश्न आयो भाई बोले टाबर वे तू करूं कि न करूं पर तो थोरे जो पिताजी बैठे है रणछ जी। अजमाल जी देख करके बोले दादा रणछ जी तो जो भले बार रह गया परा बाकी वो रामदेव है और लीला करे है। अजमाल जी महाराज हाथ जोड़ के बोले रे बेटा बहुत दिन याद कर जगह दिन है जो मन गांव रा लोग है जो को बोंद जो खेर बतरावता और मारा है जगह मोंडो नहीं देखना चाहता पर आज तू है जो को शादी रे वास्ते इनकार करे। बाबा रामदेव जी महाराज पिताजी रे और मारे कने सो है जो को वही रूप धारण करियो महाराज पंडित जी ने भावड़ा होने लागे और दादे ने देखकर बोल दादा क्यों हमें प्रश्न है यानी प्रश्न तो है पर महाराज एक काम और है। दादे वो चोड़ो कार्ड धले बोले लो देखा ओ आवे कोई थोरे भगवान रामदेव जी महाराज क्योंकि बात ऊपर धूरी माया ही अर महाराज चोड़ो हाथ में रही फटकार हो दियो जो 36 इंच की जगह बनियान आ जाओ आई और दादे विचार के लोसा हमें छठ घड़िया में तिलक कर और लगन टीको नारियल दे दियो और बल दादा ब्याह खतरो है तो दादो कई तिथि तारीख बतावे कई बार दबन बन है दबन
माघ मास एकादशी और शुभ दिन मंगलवार गोदल का सवार क्या तुथे सुनियो नाद कमार माघरो महीनो और ग्यारह के दिन और दादे की दिन थका थका याद है बली गए तो अब इन्हें दादू अमर कोट आवे और इन्हें नितल देव जी ब्याहरी तैयारियां हो रही है और इन्हें बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्याहरी तैयारियां हो रही बाकी घर में माता मीणा देवी भटियाणी दुखी और दुखी माता न देख करके बाबा रामदेव जी पूछे बोले माँ थोरे और पिताजी ने गणेशों में ब्याह कर रही हूँ और क्यों आप है जो दुखी क्यों हो तो माता मीणा देवी कह रही बेटा यही है बोले नहीं माँ तो मीणा देवी जी मन में उदास होकर के और बागरे पहुंच जावे और इन्हें बागरे में सखी सहेलियों माता मीणा देवी ने जो रोता देखिया बोले माँ आप है जगी रोगो क्यों बोले बेटा थोरे जेडी एक है जगी बाई मर रही है तो रोगो क्यों गयो उन बेच दिया जो दो इंडा हुए नहीं बेची दियो बोले आ बात कोनी तो माता मीणा देवी के अरे अलगो 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 रे मारे धीव डली रो दे अवतार की माता भटियाणी क्यों लागी बोले बायो अड़गो अड़गो रे मारे के दीवड़ी रो देश और के बटखुन जावे देश ने परदेश मोरी एक भाई है जी आठे कोनी महाराज पुगल प्रणायडी है और प्रणायन की 12 साल हो गया और ना तो कोई अठो है जगो गयो फिर भी भला आदमी क्यों ले रहा होता सोयो देख रही तो दादी हमें जने मोरी बस रो रो कोनी और इन्हें माता भटियाणी गिरे आवे और बाबा रामदेव जी पूछे बोले माँ कई बात है आप क्यों नहीं बताओ बोले माँ बोले माँ बोले बेटा ते पूछ लियो
जन थारी काकेरी बेटी बेना है धनराज जी री, क्योंकि अजमाल जी महाराज तो पहली औलाद ही नहीं, अजमाल जी का छोटा भाई है धनराज जी। लाछो और सुगणो, लाछो तो के ब्याह में आईडी है, बाकी सुगणो ने पनाई ने 12 साल होया है। बाबा रामदेव जी महाराज क्यों बोले माँ जरूर मारे ब्याह रे माँ, और क्यों बहन सुगणा आवेला? बोले बेटा तू आप जाए, बोले नहीं भगवान ने भक्त बहुत प्यारा है। बाबा रामदेव जी महाराज एक आदमी ने भेज करके और राव छड़ जोड़े रे माँ और रत्नो राई को हॉन्डियो जराव तो और जा रहे लो गुरु बोले रतना और रतन तने बाबा रामदेव जी महाराज याद करे। रतन देख कर क्यों बोले मना ठा है कि अभी ब्यो है बाबे रोजन कटी बड़े घर में बंदोड़ो है महाराज जी मरने वास्ते बुलावे है। रतनो सौंडियो ने एक लाइन में कर और वे दौड़ा आ जगह खंदे गाल और बाबा रामदेव जी महाराज रेखन आयो आकर के खमा मुजरो मालूम करी बोले बाबा मने क्यों याद करियो है? बोले रतन यो कर थोड़ो की ना दोले एक कपड़ा लता है नी जगह उतार की दूसरा है जगह पैर बढ़िया। बोले महाराज कपड़ा ही कोई दूजा पैर है ठेको तो ऊंधी पैर लू महाराज मार दो नई पुरानी पोशाक ही जेगी है। और नहीं रतन गढ़ में बहुत है तो रतन राई को नहा धो करके और आ पट्टेदार अंगरखी और आगोड़ाई वाली जूती और महाराज शापो बांध दियो दचार हाजिड़ो और भगवान रामदेव जी महाराज रतन हम कहीं ठा लागो। बोले महाराज हमें तो पाड़ो श्याण लागे भाई जौंद में ले जाए। बोले जरूर ले जाऊं पर थोड़ो काम पेली और है। बोले कहीं बाबा फुर्ती बताओ मारे जगो कीड़े लागे। भगवान रामदेव जी महाराज क्यों होने के माल लागे कीड़ा लागे। बोले रतन पुगल जानो है पुगल रो नाव लियो उतने क्यों? बोले बाबा पुगलरे आपन कोई हणे कोई नयो रस्तो फ्री होए कोई ओदा नहीं रतन मारो ब्याह है और बेने जगो सुगणा ने लावणी है सुगणा रो नाम लियो और रतनो यो खातो खातो थूक गिटन लागियो गोबर रो गोरदन गुड़े नी जों गुड़न लागियो। बोले बाबा पुगल जाऊं ने बस आदमी भड़को उता नी गए हुई लादो। ओदा नहीं रतन चिंता मत कर तो रतनो उठे गिरे आवे और राई गाणी देख कर पूछे। बोले देवासी आज है जो गया मोंडो उतरी उड़ो गया है। बोले राई गाणी कौन करूं मैं बाबा रामदेव जी महाराज बुलायो और बाबा के पुगड़ गढ़ जानो है। बोले राई का पुगड़ वे प्रियार है जो जीव तो पाथो नहीं आऊंगे तने रतन विचार करे जो हम ओई जों देखी जाई रतनो टोले रे मो गयो अच्छी अच्छा जका उठा बढ़िया जबरदस्त जको ने जो को छोड़ दिया और एक बंबुलती नौरी हां हप्पा जड़ी कदी पल्लो ही नौकीड़ो कोन ऊपर अर थंबी आलो लोर ओ यो टिपो सो है। रतनो है जो को मोरी गाल और पिलाण कर और गड़ में लायो और ला करके और जेकी जय भाई भूरेश जय। बाबा रामदेव जी महाराज देख कर विचार करो भगत रे मन में शंका है और बाबा रामदेव जी महाराज के रतना ऊंट तो बहुत बढ़िया जबरदस्त सजायो है। रतने विचार करो बाबे रो माथो खराब हो रहे लायो हॉन रे के ऊंट। बाबा रामदेव जी महाराज के रतन अरे भूरियो जा खोड़ो मारो रतन सजायो ओ भूरियो जा खोड़ो मारो रतनो सजायो ओके।
महाराज की। भूरियो जागोड़ो के मारो तनो सजायो और पितड़ियो पिलान मड़े बोल रतना ऊंट तो भाई बड़ो है जगो जबरदस्त सजायो है। रतने विचार करे बोले वावेरो माथो खराब होयो है। भगवान रामदेव जी महाराज के रतन रो इन देखी तो आगे हाइन भी जगह है जगो ऊंट खड़ो और रतने ने कुछ ज्ञान हो भी ओ आपो ने मरण जरूर हो दे। और भगवान रामदेव जी महाराज चावल कुंकू पुत्र रतन ने दे दिया और बोले रतन यो करी पाछो भेगो आई। और एक बात है बोले कहीं बाबू के अरे अब की बेड़ा आवे रे राई का एलो मने कर दे। बोले रतन अगर जे कोई अब की बेड़ा आ जाए अरे अरे वाह भी मोन जी बलो कियो भाई तो मने जो को एलो कर दई। रतनों के पछे बाबा थे तो बाबू के अरे थारे एले रे आजर आमरे की की बेड़ा आवे तो तू मने जो को एलो कर दई और मैं थारे जो को एले राजा रहूंगा। रतने देख कर क्यों महाराज आओ जन ठीक है पण टंटे रे जो को हपा जड़ो है कडी जे पटक मार दई तो कोई पाछा हमाचारी को देने गए। तो रतनो हांड पर सवार होयो और गांव निकलतो है कोई है के मोरी जगी हांड रे माथी नाग दी। बोले ए बाबा हमो स्टीयरिंग तो थारे हाथ में है हमो तू इलाज राखी दे। तो रतनो आधी रात की समय कट पहुंच जावे के अपरे सुरजन पीदा धोरा न्यार धड़ सुरजड़ा अंगड़े उड़ी अर ए मोटा मोटा धोरा मारा दिन में डर लागे रतनो आधी रात ने पहुंचियो है। तो रतनो बाबा रामदेव जी महाराज ने एलो खजूर बोले रे बाबा आठ लाज राखिया रतनो बाबे ने एलो करे और कहीं गए अरे अंडा अंडा रे डेर बाबा रे लागे डरावना
अजमल घर अवतार की। रतनों देखकर बोले बाबा ऊंडा ऊंडा डेर बाबा के लागे डरावना रमाए बुरगट वाली बूर। और रस्ते बेव तो सोचे राई को क्या पुगल कतिक दूर। बोले बाबा आठ सहायता करिया नहीं तो ओ टंटे रे जगह पहुंच जड़ो है महाराज पंचा कटी ले जा नौ की जगह पाजो कोई हमजारी को देने में। ऐसे करते करते रतनो और पुले प्रभात के टाइम और पुगल पहुंचियो। और पुराने टाइम रे माने सजनो पानी री 50-50 पणियारियां पंगट प्यारी ब्याह करती। और पणियारियां देख करके और ओपरे आदमी ने देखियो और वे पणियां ने देख करके उन लागी रे ओ कोई आदमी है जो ओपरो है। तो वे पणियां रतन ने देख करके कहीं कहे अरे कटे सुन ओ ठीडा वीरा अरे आवी ओरे परदेसी वीरा रे ओ आगे कठिने बिराजा परदेसी घर बोले बहनो मैं गढ़ रोनी के सो आयो हूँ और बाबा रामदेव जी महाराज रो ब्याह है और अठे बहन है जो सुगणा में लेने वास्ते आयो मैं एक बात कहूं तू मन को लेने अदने विचार करी भी अइयो कहीं भी को रोटी जी मर जाई। और बेनो क्यों को मानू थोड़ी बात जरूर मानो। बोले मैं तो नहीं कहूं को तुम आयो है नहीं वी जगह है जो आ होंडरी मोरी है जो इयो घुमा दे अदने की ओ हो तो क्या करायो बोले बोले गांव में मल आयड़ा खसे जगह ने जो मारे या कोई गली बे तो नहीं है जो महाराज तेड़ दे ज्यादा में कहीं है आई गो जो छोरी ने जो लेर जाऊं एक पणियारी देख रही और बेचारे ने जो जाऊं तो नहीं आई दिए गए रतनो शयन रे माते सवार होयो। और पुरानी टेम रे माने बड़े घरों रा कौन कायदा होया करता मोहन जी के मील भर गांव सु है जो दूर उतर जाया करता। और रतनो जावे सगीड़ो कचूड़ो किनो जावे जणे और ठाकुर साहब जो गढ़ में विराजमान है
और मोटी है जगी पौड़ देख और रतने विचार कर भी हो सके वही गढ़ है। रतने जुगो हरने देखी है जे भाई ये ठाकुर साहब जो गढ़ में विराजमान है। एक संतरी ने पूछे बोले संतरी और ऊंट ऊपर है जगो बेटो बेटो आगो पाछो है जगो कौन है रे। रतने विचार करियो भाई ओळखियो कौन जगो तू करा दे ओळख ले नहीं जनपद पिलौनी लोग ही उतार यो कौन नहीं तू लोगों ही उतारियो। रतने विचार करियो रे तेज बोले जगा ये जो ऐ जीजूसा है। रतनो सोइंट से उतर करके और जार खमा मुजरो मालूम करियो और बोले जीजो सा बाबा रामदेव जी महाराज रो ब्याह है और मैं गढ़ रूमी के सुन आयो मारो नाम रतन है और बेन सुगना ने लेने वास्ते और आपने जगो ब्याह रो जगो निमंत्रण है। ठाकुर साहब जी करे क्यों रतना वे क्यों कॉमेडी रो महाराज है नौ नाल है। ठाकुर साहब के अरे उनरे कामड़िये रो रतना ओ तो नाम वतली जे और तन के रारे के दड़ली रे मारे ठाकुर साहब देखने के बोल रहा ना वे कामड़ी रोटी भाई जो हमारा कदुबारा नौ ना ले क्योंकि वो घर घर जावे तंदूरा बजावे हमारा जमा जगावे वो कौरों की राजपूत है। रतना देख कर दो चार बार कामड़ी हो कहो और रतना है जो देख रहे हैं उन लोगों को दीजो सा वो क्यों भेदभाव करो क्योंकि आ तो कलिकाल री बात है और त्रेता युग में और रतनो विजय सिंह जी ने जो कोई कहे अरे त्रेता युग मई राम भय राजा अरे बांबीलनी रखाया झूठा बोल दी प्रभु राम
बोलिए जमारे घर अवतार की अदनो दे करू बोल दीजो सा। त्रेता युग में और भगवान श्री राम होया मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई है जगो दिल्ली रा झूठा बोल खाया और थे कोई है जगो जाति भ्रांति भेदभाव। ठाकुर साहब के रत्नों क्यों ज्ञानी बहुत है आप और ही कोई क्यों ज्ञानी है क्यों महाराज बिल्कुल। तो ठाकुर साहब के अरे ई राई के ने बांधो रे कुवे रे माई फेंक दो ई राई के ने क्यों बांधो और क्यों हाटी के में नोक दो महाराज। और इनरी साहेंडे पाए गम गे रोरे जी ठाकुर साहब ऑर्डर लगायो के ई राई के ने जो को बांधो और कुएर में फेंक दो और साइंड है जो के ने फाटक में बंद कर दो। कई जगह संतरी मंत्री खड़ा बांधे कर क्यों महाराज कुएं में नाक ओ कोई देखी तेल तिलों री धार कई दिन की हवालात में बंद करो जो माथे रखा जाए नहीं ठा बड़े बेबी नौकर यूं ही होवे। ठाकुर साहब जो तो जन ठीक है यूं कर दो अमृत ने बड़ी जंजीर में बंद कर और अवालात में बंद कर दे और साइंड में जो फाटक में दे दे और इन्हें रतने विचार करे विवाबे की अब की आवजन याद करी आप और मो अदी तो कोई अब की है कोनी क्योंकि आंधी आवे तो बुरी जो कोनी अरे मे आवे तो भीजो कोनी बिना किरायरी कोटड़ी अरे बाबू गंदोड़ा जी में क्यों डोगरे ने क्यों तली उदे। और इन्हें ठाकुर साहब सब ऑर्डर लगायो अगर जे कई सुगना ने जार कह दियो तो बे आई मौत मार दूंगा। और इन्हें सुगनो रे तो नंदो ही एक तो अच्छी विचारी और एक हफा पूरी बाराना और गड़ रे आकर बेवती ने और वो ओपरो आदमी देखी और थोड़ी कानार मां भनक सुनी और भाई साहब जो पूंजी इधर ढोल हो गया क्योंकि चुगली आड़े में वे बहुत तगड़ी है। बोले भाई तने एक बात को तू आगे नहीं कह दो बोले खट्टे थारी कौन ने ईर कद खटी। और इन्हें भाई सा सुगणो रे मेल का नहीं आया और भाई सुगणा मेल रे मा ए जो चरखो काते क्योंकि सदनो पुराने टाइम रे मा आपो रे ऐ साधन होता आजकल तो घर घर रे मा महाराज नव छौरी टाइल हाथ रे मा हरियो घसे आंगड़िया पुराने टाइम रे मा पानी अगर टाइम पास रो कोई साधन हो तो हमारा चरखो हो तो भाई सोना वही चरखो का थे फिर लक्ष्मी दस्ती बात कोई वर्णन करे अरे के सुख दुख रो साथी तू मारे भाई रे भतीजा तू
भाई सारे परिवार है जो गीतों को लंबो छोड़ो चरखो भाई रे राय रंगी दो चरखो भाई रे राय रंगी दो चरखो भाई रे राय रंगी दो अरे पूनी लाल घर अवतार की भाई सुगना इसी प्रकार में जो चरखो का दे टाइम पास और इतने मेरे भी नंदल भाई सा आवता दिखा और भाई सुगना सरखे ने साइड में करियो ले भाई जीव आज भाई सा आवे और कहीं कहीं है जो कहन जाए भाई सुगना चरखो साइड में कर और पिलंग पर है जो पिलंग पोस लगायो कौन जगमो पहली भाई सा दफन देनी आई बड़े बोले भाभी दो ही जकड़े है उबी उबी जगह देंगे अभी रात वर्णन करे अरे थारे रे पिहर से वाविये आयो रे ओठीडो और बिन भारे धीरे खीर दिमाई रे जियो खम्मा 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 रे कंवर अजमा अरे आयो रे उठिड़ो इन भारे भाई की
और प्यारे सजनों, बाबा रामदेव जी महाराज के यहाँ लेकी कथा रिकॉर्डिंग करता गुरु कृपा साउंड ताराचंद जी सोनी सिंह गुरु निवासी और औरकन पे साथ दे रहे हैं भाई आनंद राजस्थानी है भाई श्री बालाजी बड़ा गांव निवासी और पेड़ पर सुंदर सेन देसलसर निवासी और ढोलक में साथ दे रहे हैं भाई शंकर राणा देसलसर निवासी और जींद पर साथ दे रहे हैं हनुमान प्रसाद काती नोखा मंडी निवासी और गायक तोलाराम सोनी सिंगेला निवासी और ये जो प्रोग्राम हो रहा है मोहनलाल जी उज्जवल सिंधु मोरखाना निवासी और सहयोग में हमारे भाई सुरजमल राणा देसलसर वाले और भी अन्य बड़े बड़े कलाकारों ने महाराज आज घड़ी लाई हुई है गोसाई जी महाराज की बोले भाभी आप रे प्योर सुन एक कोई ओठी आयो है नौ तो शायद सोठा कोई है पर वे ने जो हमारे भाई खीर जिमाई नौ तो क्यों थोड़े हवा करी बस मौला तू जाना ही है भाई साहब की बात कही सुरुंडी कोई जन गोली ली है आप रो जो उतर गयो और सुगणों रे सोच विचार पड़ गयो रे वे लोग केड़ो ओठी आयो है ओ घरौरी जगी खीर है जगी अलग है और जितने में भंवर आयो भणो बोले मां मामो सारो ब्याह है और रतनो राई को है जो आयो आपन लेउन ले वास्ते और ओन पिताजी है जो कैद में बंद कर दियो सुगणा विचार करे बोले बारे वीरा 12 सालों है जो ओ हमाजार आयो है आयो जो कोई और पचड़ो कोई हुकरो नहीं आयो तो भाई सुगणा रात में सब लोग सो जावे और उन टाइम सदन और डागले चढ़ करके और उनीचे रे स्वामी उग और महाराज धूपियो ले और बाबा रामदेव जी महाराज ने अरदास करे रे बोले रे वीरा अरे लेने धू पियो भाई मेला सड़गी अरे वा कुरजा झूकुरी इड़ाई जीरे अजमाल जीरा Thank you.
भाई सुगना केवन लागी रे वीरा 12 सालम आज है जको रोनी चे ओ समाचार ते भेजियो एर महाराज ई रत्न ने भेज करके और मारे ओ जको चंदू क्यों करियो आ ठीक हो कौन गए तो इन्हें सुगना बाबा राम जी महाराज ने और कहे क्योंकि बेन बेटी ससुराल में दुखी हुए नहीं जन पीवरियों ने आशीर्वाद दिया करे आशीर्वाद तो कौन ही पण बढ़ते पेट है जो एडी लागे अरे मर जो ये मेणा देवा अरे मां सरपथन काजू अरे मन पूगड़ क्यों परनाई सुगना देख करके उन लागी मर्जो मेणा दी मां के सर्प सन खाजो और मन पुगल क्यों परनाई हे मां मन अगर ते जन्म ते नी जहर दे देती तो आज मैंने जो ए दुखड़ा नहीं देखना पड़ता तो इने भाई सुगना री आवाज सुनी और राई की रतनेरी है जो को आवाज सुनी और बाबा रामदेव जी महाराज आधी रात की समय और नींद में सोता है जो को जिज गया है और लीले हिंस गुजारी है और लीले पर बाबा रामदेव जी महाराज जो काठी मांडी है माता मीणा ने देख कर पूछे बोले बेटा आधी रात की समय और आकड़ चढ़ाई है बोले माँ सिर्फ पुगल तक बोले पुगल सिर्फ में लागे थोड़ा कोई भाई बंद जगह हाथे लेर जाई बोले माँ ए भाई बंद ए तो जो बिचड़ दो को दे मारा भाई बंद किसा है तो बाबे रामदेव जी महाराज एक तंदूरे की तार लगाई मेवा मंगलिया चौसठ सौगणियों बाबा रामदेव जी महाराज ने माया सु माता मीणा ने उल्टा चक्र चलावता नजर आया बोले माँ मारा भाई बंद ए है बोले बेटा तो बेशक जाओ बाबा रामदेव जी महाराज लीली पर सवार हुआ और अरबूजी शांख ला मासिया भाई बाबा रामदेव जी महाराज रे दोनों चढ़ करके जावे और आगे प्रियारा ए जो बिल्कुल सूखो बाग 12 साल से और बाबा रामदेव जी महाराज जाकर के बाग में डेरो लगायो और जड़े भगवान डेरो लगावे महाराज जी बाग कोई है जो सूखा थोड़ी रहे बाग बिल्कुल है जो हरियो हो गयो दादू रमूर पपैया कोयलो बोले और बटे रोज माली और माल लकड़ियों लेने वास्ते आवे और उस दिन जो भी माल की बारी आई और बेगी बेगी ले कमाड़ी और मारा जेवड़ी लेकर के बट लकड़ियों ने आई और आगे वो भाग है जो बिल्कुल अरियो देखियो और माल गाड़ियों देने लगी बोले इतने कालींदार सर्प खायो जो मारो भाग है जो अरियो कर दिखे तो लकड़ियों मतलब है और इन्हें बाबा रामदेव जी महाराज देखने के बोले मालन माँ बाग बगीचा कुआ बावड़ी तालाब तो सब है जगह परमार्थ वास्ते होया करे आप रे क्यों बाग रो कोई नेम है बोले मारा सोने रो टको है जो एक लेंगे बोले मारा मां मारा कन सोने रो टको तो है नहीं बाकी काना रमो पेरिया करे नी टोटियों कड़ा हूं बाबू आदमी रो कड़ा ला दिया जो लाख री क्यों रहा है माल मां विचार कर भी कई दिन हूं पेर हूं कई दिन है जो छोरी पेर ले लो जन बाबा ए कड़ा है जगह पेरा दो बाबा रामदेव जी महाराज इच्छा रूपी कटारो है जो फेरी हो तो माल मारा दोनों है जो कान काट करके हाथ में दे दिया बोले आराम जादों मारा ठाकुर साहब थोड़ा माता है जो बहुत गुस्से में होने बोले माल मारा छोटो पेगो मारो ही दिया बोले कोई बोले जान यहाँ गया कि भाई रूनी चाड़ो वो कामड़ी आयो है
मालनवा जान के बोले ठाकरो और उनी चेरो जगो कावड़ियो के जगो है चढ़ाई करना उड़ो है। बोले कीता आदमी है? बोले दो आदमी है। बोले चार जना जाओ? चार जाओ तो आगे आठ खड़ा पा बाबेरी माया ही तो इन्हें ठाकुर साहब से करके बोली पूरी बटालियन जाओ आगे हजारों और तादाद रेमा है जगो आदमी खड़ा अड़बड़ा करके पाछा दौड़िया। बोले ठाकुर साहब मानो तुम छुट्टी कर दो माउंट पार पड़े को और इयो कोई तो एक जूनो चाकर तोपसी हो पुराणो संतरी मंत्री बिन के बोले संतरी थारी कोई सलाह है? बोले मारी महाराज आण दई थोड़ी सलाह हम कियो भागो तो एक शेरी है आथुने किनारे है नहीं तो महाराज बाबे है जोगी उगलगड़ रे मो घेरो लगायो है तो इन्हें बोले की गढ़ में दो बात करो। बोले गढ़ में तो कहीं ठाकुर कर ले हम तो तोपो लगावे तो बाबे की कृपा हूं हां तोपारो ए जुगो मुंडो उल्टो घूमियो पेल पोते जुगो महाराज भी तोप श्री ए जुगो फोटो खंजियो पोगलगढ़ में आग लागी तो महाराज सुगणारी सासु 12 सालों रमा सुगणारे जुगो एक दिन मेल नहीं गई और उवे दिन दो दो पेड़ियों है जो हाथे चढ़न लागी और जार केन लागी। बोले बेटा अरे पुगड़री पटरानी थारे पगपगा लागे और मारे कूले रीरे लाज बचाओ रे घर अवतार की ओले बीननी आज थारे भाई सा आया है और वन क्यों बताओ आप है जो को मेल रे मां बैठा हो और इन्हें सुगणो विचार जरूरी आज हो सके मारो भाई आयो है क्योंकि 12 सालों में आए जो गुड़ की एक दिन है जो कुमार आदा और मेल नहीं आई सोना देख रही क्यों मैं तो नहीं बताऊं। अब इन्हें सातों ही पड़ियार जाकर की सूरज बुढ़ गिर गन गए। बोले माँ बचावे तो आ बेड़ा नहीं तो वो कामड़ी मार दे। बोले थोड़े बडेरो और आत्रो खोदायो है बुआरो अंडरग्राउंड डोकरी भी अंडरग्राउंड में बाढ़ और ऊपर है जो शिला देकर के और मारा देसी उंद्र है जो चरखो खाते भगवान राम जी और हरबू जी गढ़ में आया और जो ही है जो भी सिलाड़ी रे अंगूठो लगायो भगवान राम जी महाराज और चौनों और हाथों ही बाको गाड़ियो। बोले ऊपर आओ। बोले बापू थारी गोरी गाय हो? बोले महाराज एड़ी गाय कहीं काम रही जगह आगो ने हिंग रही जगह बेती बेती पतो ने की रहा जगह औतरा काट मेल दे। अरबू जी देखन के बोले भाई इयो ने इयो रे हवाले छोड़ दो तो बाबा रामदेव जी महाराज जाकर के तने मिलिया टटके ताड़ा टूटिया और झटके जड़ी जंजीर रतनो हाजर हो गयो तो धने रंग हो रामा पीर रतने रा ताला खुलिया और रतनो आकर के बाबा रामदेव जी महाराज रे हाजर होयो आकर के प्रणाम करियो। बोले बाबा इतो कोई मोड़ो भरिया करे बोले रतन ते याद ही नहीं करियो तो इने भगवान रामदेव जी महाराज देखन के बोले रतन यो है कि अब मैं तो नीचे जाऊं क्योंकि ब्याह रो घर है फिर भाई साने जो तू ले रही
और इन्हें भगवान रामदेव जी महाराज रत्नेरो और सुगणा रो कोटे इंतजार करियो के आपरे खारी रे कने मोटाव को गांव है। बड़ बाबा रामदेव जी रत्नेरो इंतजार करियो और रत्नो बेन सुगणा और भाणु भंवर और भगवान रामदेव जी महाराज नीचे आया और बाबा रामदेव जी महाराज आगर की माता सुगणा मेणा देने देख रही बोले मैया सुगणा भाई आया है और आप है जगो गाओ बजाओ। तो माँ और बेटी रो मिलन कबीर आज वर्णन करे है। अरे माता फेरे फेरे रे भाई सुगणा रे सिर पर माता फेरे के भाई सुगणा रे सिर पर आत और के भाई ने पूछे सुख दुख डेरी बात और भाई ने मिल गयो के सहेलड़िया और साथणियों रो साथ और के मिलता और मिलता मिलता ही मिलता और भूल गई आधी रात और के अब तो होयो है पीड़ो प्रभात। और इन्हें भगवान रामदेव जी महाराज अथई करता करता रात ने मोड़ा सोया सुबह दिन चढ़ जावे जागे नहीं तो सखी से आदरमो ने भावरी थाली लेकर बाबा रामदेव जी महाराज ने जगावे और भगवान रामदेव जी महाराज ने तेल पीठी करिया है और बाबे ने जो भींद बनाया है। लीलो री घोड़ो नवलको और मोत्यों जड़ी लगा बींद बनिया श्री राम दे गडरूनी चेहरा श्याम लीलो घोड़ो नवल घोर के मोतियों जड़ी लगाम बींद बनिया श्री राम वीर के गडरूनी चेहरा श्याम। बाबा रामदेव जी महाराज महाराज फूट रहा तो पहली गणी आप जे बींदोली कपड़ा तो लाचो भाई बाबा रामदेव जी महाराज ने केरे बीरा
अरे वीरा मारा मादड़ियो अरे मत राय ने बुजरे बांधे मत राय भाई देख रखे बोले बोले भैया यहाँ पर थारे कोई गुरुदेव को तुम्हें जो राखड़ी कोई डोरो करा ले ताकि तन कोई है जो को निजर नहीं लगा सके तो बाबा रामदेव जी महाराज की बरात है जो की रवाना होवे और कबीराज वर्णन करे जाने तैयारी हो रही रे सब मिले ओत आनंद अजमल सुत बनड़ो बण्यो तो जू उदगुन बीच चंद अरे करीम जी में बाजे गुगरा घोड़ो रे बाजे घोड़े जी बाबा रामदेव जी महाराज इसी प्रकार समय जो गुजरात अमरकोट पहुंचे तो इन्हें भगवान रामदेव जी महाराज रूप बागरे माने डेरो लगायो और भगवान रामदेव जी महाराज ने तोरण माथे ले आया
वे टेमरे माने सासु है जगो कौर कलेवरे मा एक बिल्ली ने खत्म कर गए और भेजी भाई अगर अवतार है जन तो देखी जाए नहीं तो सर्जित हो जाए। तो भगवान राम जी महाराज जो हाथ सामो कर दू बिल्ली सर्जित होकर की कूद गई है तो सासू ने तो विश्वास नहीं हुई अगर हम नेतल देने जगो पाँव दे जनी महाराज अवतार मानो नहीं तो अवतार नहीं मानो। तो इन्हें ब्राह्मण लोग वेदी बना करके और मंत्रोच्चार शुरू करियो है और आवाज लगी बोले चौरी तैयार है। भगवान रामदेव महाराज चौरी में विराजमान होया और इन्हें शाखोचार पढ़ करके ब्रह्मा जी और इशारों करियो के भामरी चालू करी। हम नेतल देरी जगी सखियां ये जगी धीरे धीरे अड़गी ही सकी। भगवान रामदेव जी महाराज अतलेवाल आतो इशारों कर और नेतल देने जो गोचावरियों में पैर दिया बोले बाबा रामदेव महाराज की। अब इन्हें